दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की वीडियो सीरीज पार्ट टू में आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपके रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पांडे गुरु जी पे GS एंड GK फॉर रेलवे एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, तो वहां पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जामिनेशन में है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अपने हमारे चैनल पांडे गुरु जी में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ प्रकृति के 3 अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? उसका आंसर है H2O। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनात ने कहा था। जो दोस्तों, जो भी केमिस्ट्री में है, या फिजिक्स में हो, या बायोलॉजी में हो, जब भी कोई भी चीज़ का खोज किया हुआ, आविष्कार किया हो, या कोई वैज्ञानिक से रिलेटेड हो, तो उस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रेलवे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। SSC में उस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम दिखने को मिलता है। तो आप रेलवे के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान दें। आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों की जो संख्या होती है एकदम इक्वल होती है, बराबर होती है, दोनों समान स्थिति में होते हैं, दोनों समान संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड की प्रणीकरण परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया जाता है? परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने इसकी खोज की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वो है परमाणु। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु पंचकण होता है? वो है न्यूट्रिनो। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है? उसकी तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होती है। आणविक कक्षा का अभिनय किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रण होता है। एक 10 आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन रेलवे एग्जामिनेशन में आ चुका है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदना क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की क्षमता सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ 6 होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया? वो है पोलोनियम। न्यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? वो कण है न्यूट्रॉन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा पैदा होता है।
किस तत्व के समानांतरित्व के बीच अंतर जिसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है वो है न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकलन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा होता है कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है अवकरण कहा जाता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन तथा अवकारण दोनों की तरह की नियुक्ति किया जाता है वो है सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन की प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था वाली यौगिक कौन सा होता है वो है H2O। अम्ल एवं भस्म के प्रशिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी अन्य धातुओं में से प्रतिक्रिया पर कर कौन सी गैस निकालते हैं वो है हाइड्रोजन। किसी एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है वो है 7.35 टू 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक अवश्य अवयव है यह सर्वप्रथम किसने कहा था ये सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का सा व्यवहार करती है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है उसके वाष्प घनत्व का डबल होता है दुगुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है अणु की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है आर्सेनिक सल्फाइड का। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है CO का। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जायमेस ने क्या करता है ग्लूकोज को उसको ट्रांसफर अल्कोहल में कर देता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटालिनियम को एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है संस्पर्क प्रक्रम के रूप में। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है मार्केप्टन। मार्केप्टन से उसे क्या होता है कि जब भी गैस लीक होता है तो हमें पता चल जाती है कि वो गैस लीक हो रहा है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है उसमें होती है ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है CO+H2। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है एंथोसाइट की सबसे प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। अग्निशमन यंत्र में भरा सोडियम वाई कार्बोनेट घोला किसके क्रिया करके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो है गंध कल्म के द्वारा। सोडियम वाई कार्बोनेट को अग्निशामन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस को उत्पन्न करने के लिए। पेट्रोल से चलने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडेलीफ ने। आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप इसको रट सकते हैं इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था उसका प्रतिपादन मोसले ने किया था। किसी एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पे उसमें बेसिकली परमाणु संख्या के रिलेटेड आवर्त सारणी होता है उसको आप बहुत ही जल्दी याद कर लें क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आवर्त सारणी पे एक कम्प्लीट तो आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है जो उसका सामान्य सूत्र है उसका NaOH। रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्सट्रेट के साथ। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस एस से किया जाता है कार्नोलाइट के साथ। एल्युमिनियम किसमें धूल हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट के द्वारा। तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान से केमिस्ट्री से कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ ताकि एग्जामिनेशन को मैं आप अच्छे से स्कोर कर सकें बस ये हमारे प्रयास है। तो आप कभी भी जब भी टाइम मिले तो आप GS या GK का वीडियो को आप एक बार देख लें जब भी आप
पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो यूट्यूब खोलिए और जीएस जीके का वीडियो देखिए। इससे आपके फ़ायदा होगी कि आप पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप को नॉलेज भी होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो आप हमारे आपसे यही हेल्प है कि आप हमारे अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।